हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट और आपका फ्रेंड इन नेबरहुड राहुल, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ग्राफिक्स इन 10 मिनट्स में। आज हम फोटोशॉप बिगनर्स क्लास नंबर 1 में बात करेंगे फोटोशॉप के यूजेस एंड इंटरफेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फोटोशॉप एक डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कुछ लोग रेस्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप रेस्टर और ब्लेंडर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इवन अवर कैलकुलेटर्स एक्स्ट्रा, ये सब डिजिटल मीडिया के अंदर आते हैं। इन सब में आपको जो भी इमेज दिखती है वो इन दो कैटेगरीज में से ही किसी एक में फॉल करती है, या तो वो इमेज रेस्टर होगी या वो वेक्टर होगी। रेस्टर बेस्ड इमेजेस को हम पिक्सल बेस्ड इमेजेस भी कहते हैं, क्योंकि रेस्टर टर्म पिक्सल से जुड़ी हुई है। पिक्सल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारा कंप्यूटर और मोबाइल में कोई भी इमेज बनती है। अगर आप रेस्टर, वेक्टर एंड पिक्सल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में थ्योरी सेक्शंस में जा सकते हैं। सो आप सब लोग फोटोशॉप के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि फोटोशॉप बहुत सारे डिफरेंट कामों के लिए काम में आता है। लाइक फोटोग्राफर इसे यूज करते हैं फोटो एडिटिंग करने के लिए, लाइक फोटो से अनवांटेड ऑब्जेक्ट हटाने के लिए, कलर्स सही करने के लिए और भी बहुत कुछ। सेम टाइम में आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं डिजिटल पेंटिंग्स बनाने के लिए, मैट पेंटिंग बनाने के लिए, जबकि ग्राफिक डिजाइनर इसका यूज करते हैं लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर्स, ब्राउचर्स, सोशल नेटवर्किंग क्रिएटिव एक्स्ट्रा वगैरह बनाने के लिए। वेब डिजाइनर भी इस फोटोशॉप का यूज करते हैं वेबसाइट लेआउट डिजाइन करने के लिए, जबकि 3D आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं टेक्सचरिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग में भी फोटोशॉप का एक बहुत बड़ा रोल है। वीडियो एडिटर्स फोटोशॉप का यूज करते हैं कंपोजिशंस के लिए, क्लीन प्लेट्स के लिए, वायर रिमूवल और भी बहुत सारे इसी तरीके के काम के लिए, जिसके बारे में हम VFX सेक्शन में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे After Effects और Premiere Pro के बारे में। अभी हम वापस आ जाते हैं फोटोशॉप पे। हम बात करेंगे फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जो विंडो सबसे पहले हमारे सामने आती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डेस्कटॉप आइकन्स, टास्क बार, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन बार एंड स्टेटस बार सब मिलकर विंडो का इंटरफेस बनाते हैं। फोटोशॉप का यह इंटरफेस भी बहुत सारे डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप अभी अपने विंडो पे देख सकते हैं। अगर आपके विंडो का इंटरफेस सिमिलर नहीं दिख रहा तो आप फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर लीजिए तो आपका इंटरफेस समथिंग मेरे जैसा दिखने लगेगा। अगर तब भी नहीं दिख रहा तो आपका फोटोशॉप वर्जन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं करंटली फोटोशॉप वर्जन CC 2020 यूज कर रहा हूँ। इंटरफेस की बात करें तो टॉप में आ जाएं, तो टॉप में यहाँ पे आपको ये एक वार दिख रही है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप्स, सिलेक्ट, फिल्टर्स, 3D व्यू, विंडोज एंड हेल्प। तो ये जो वार दिख रही है, इस पूरे एरिया को हम वार कहेंगे। तो जो भी ये वार दिख रही है, इस वार को हम मेनू वार कहते हैं, जैसे कि बाकी सभी सॉफ्टवेयर में कहा जाता है। मेनू बार का बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स हैं,
लाइक फाइल को सेव करना, ओपन करना, इमेज को कट करना, कलर करेक्शन करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम लेफ्ट में आ जाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये आइकन्स मिलके एक बार बना रहे हैं। इन बार को हम टूल बार के नाम से जानते हैं। आपकी टूल बार में भी ऐसी दिख रही हो या इस तरीके की, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फोटोशॉप में होने वाला 60% वर्क इसी टूल बार से ही होता है। लाइक फर्स्ट वन हमारा मूव टूल है, इसके बजाय नेक्स्ट सिलेक्शन टूल है, इसके बजाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं। अब वापस अगर हम टॉप पे आ जाएं, टॉप में मेनू बार के डायरेक्टली नीचे जो हमें एक और बार नीचे नजर आ रही है, उसको हम कंट्रोल बार या डायनेमिक बार के नाम से जानते हैं। डायनेमिक बार से हम जो भी हमने टूल सिलेक्टेड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायनेमिक नेम इसके डायनेमिक नेचर की वजह से मिला है, इसको ध्यान रखना इस बार पे। जैसे मैं कोई टूल चेंज कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ किसी टूल पे, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से इसको ये डायनेमिक बार का नाम मिला हुआ है। अगर हम राइट मोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आइकन्स हैं, डिफरेंट बार्स देख सकते हैं। इन सभी को हम कॉमन नेम से जानते हैं, जिससे हम पैनल्स कहते हैं। पैनल्स का बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स हैं। कुछ पैनल्स हमारे डायनेमिक बार की तरह ही है, जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है डायनेमिक बार के। लाइक डायनेमिक बार में कुछ कंट्रोल्स आते हैं, जो कंट्रोल्स हमें डायनेमिक बार में नहीं मिलते, एडिशनल कंट्रोल्स हमें पैनल्स में मिलते हैं। पैनल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एडिशनल ऑप्शंस हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट पैनल्स ओपन होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पैनल्स इसके बजाय कुछ और एडिशनल पैनल्स होते हैं, लाइक जैसे कि लेयर पैनल। लेयर पैनल हेल्प करता है हमें अपना डॉक्यूमेंट मैनेज करने में। फोटोशॉप में जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर सकते हैं हम लेयर पैनल्स के थ्रू। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैनल्स होते हैं, जिसको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो बड़ा सा ग्रे और वाइट एरिया दिख रहा है हमें सेंटर में, इस पूरे एरिया को ग्रे और वाइट को मिला के हम वर्क एरिया कहते हैं। और सेंटर में जो ये वाइट एरिया दिख रहा है टॉप से लेके बॉटम तक, इसको हम कैनवस एरिया कहते हैं। कैनवस एरिया का बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स हैं। फोटोशॉप में जो भी हम काम करते हैं हमें इसी कैनवस एरिया में वो सभी काम दिखता है। लाइक जैसे कि मैं कोई भी इमेज अपनी फोटोशॉप में लाता हूं, इसी कैनवस एरिया में विजिबल हो गई। इसके बजाय अगर हम बॉटम में आ जाएं, जो एक बॉटम में एक बार दिख रही है, इसको हम इंफॉर्मेशन बार कहते हैं। इंफॉर्मेशन बार का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है परसेंटेजेस में, यहाँ पे 50% लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली बताता है अभी जो करंट हमारा कैनवस साइज है वो इमेज का कितने परसेंट दिखा रहा है। 50% का मतलब है कि मैं अभी अपनी इमेज हाफ साइज में देख रहा हूँ। अगर मैं जूम करता हूँ इमेज को कंट्रोल प्लस से, हमारा कैनवस जूम होता है, तो अब जे जो 100% यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है जे ओरिजिनल साइज है इमेज का। यहाँ से हम डायरेक्टली नंबर टाइप करके कीबोर्ड से भी यहाँ पे साइज लिख सकते हैं हमें कितना परसेंट चाहिए। लाइक मेरे को 59% चाहिए, तो मैं 59 लिखूंगा, देन एंटर क्लिक करूंगा, तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइज 59% हो जाएगा। इसके बजाय आगे कुछ और लिखा हुआ है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है। इसके बजाय यहाँ पे एरो बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे कैनवस के बारे में ले सकते हैं यहाँ। लाइक हम डॉक्यूमेंट के डाइमेंशंस कितनी है, हाइट एंड विड्थ कितनी है। इसके बजाय हम जान सकते हैं कि अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो इसका फाइल का सेव का साइज क्या होगा।
जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे। जस्ट ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इससे हमारा डिजाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट हमारे कैनवस में जो भी चीजें हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्म्स करता है। सो ये सब मेनू बार, डायनेमिक बार, टूल बार, पैनल्स एंड पॉट, इंफॉर्मेशन बार, वर्क एरिया एंड कैनवस मिलके फोटोशॉप का इंटरफेस बनाते हैं। सो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो फोटोशॉप इंटरफेस के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी फोटोशॉपिंग।